विदिशा जिले के कुरवाई में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री सुभाष बोहत एडवोकेट के नेतृत्व में भाल बामोरा एवं बरवाई में केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जंगी प्रदर्शन किया गया और दोनों ही पंचायतों में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई का पुतला दहन कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गैस सिलेंडर पर शीघ्र महंगाई कम करने और बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर एडवोकेट एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री बोहत ने कहा कि भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार महंगाई बेतहाशा बढ़ाने का कार्य कर रही है। लोगों के चूल्हे जलना बंद हो गए हैं। किसान, दुकानदार, व्यापारी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो महंगाई की मार से अपनी दिनचर्या नियमित चलाने से वंचित न हुआ हो। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हमने कुरवाई तहसील की बरवाई पंचायत और भालवामोरा पंचायत में नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार लगातार जो गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि कर रही है, कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 350 रुपये प्रति गैस सिलेंडर बढ़ा है और घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपये प्रति गैस सिलेंडर बढ़ाए। इसके अलावा ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहां भाजपा की मोदी सरकार लगातार महंगाई न बढ़ा रही हो, चरम सीमा पर लोगों का जीवन दुभर कर दिया है। हमने कुरवाई तहसील के बरवाई और भालवामोरा पंचायत में नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की महंगाई विरोधी नीतियों का पुतला दहन किया है और नरेंद्र मोदी साहब से आग्रह किया है कि जो गैस सिलेंडर कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं उन कीमतों को तत्काल प्रभाव से वापस लें। यदि इन कीमतों को वापस नहीं लिया गया तो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर कुरवाई तहसील के हर गांव हर पंचायत में हम पुतला दहन करेंगे। और मैं इस बात को गर्व और गौरव से कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं वे भी आज हमारे साथ, चाहे साथ खड़े होकर साथ दे रहे हैं चाहे दूर खड़े होकर साथ दे रहे हैं। लेकिन भाजपा की लगातार महंगाई विरोधी नीतियों के साथ आज हर आदमी, हर मजदूर, किसान भाई, व्यापारी, छोटा मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक साथी, पिछड़ा वर्ग के साथी लगातार हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। इसलिए गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि को भाजपा सरकार को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।